हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू राजा टेक्निकल ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में जो आपकी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की जो पार्टीशन होते हैं उसमें एक पार्टीशन की टोटल जीबी कैसे चेक कर सकते हैं और टोटल रिमेनिंग जीबी कैसे चेक कर सकते हैं और उसके बाद उस पार्टीशन में जितनी यूज जीबी हुई है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट बटन पे आना है, उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज सेलेक्ट करना है। स्टोरेज मीन्स के टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद आपके स्टोरेज ओपन हो जाएगी, मीन्स के आपके हार्ड डिस्क के पार्टीशन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे जितने भी पार्टीशन थे लैपटॉप में या कंप्यूटर में वो सब यहाँ पे आ गए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे सी पार्टीशन है, जी पार्टीशन, ई पार्टीशन, हमारा एफ पार्टीशन और डी पार्टीशन है। अभी हमें चेक करना है कि टोटल जीबी इस पार्टीशन में कितनी है और इसने कितना यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए 97.6 जीबी टोटल इस पार्टीशन की जीबी है और उसमें से जो यूज़ हुआ है 21.1 जीबी इसने यूज़ किया है। ठीक है, अभी दूसरे पार्टीशन हमें चेक करनी है। तो 97.6 जीबी टोटल हैं और इसमें से यूज़ हुआ है 65.0 जीबी। ठीक है, ऐसे आपको इसका भी चेक करना है। इसका भी यहाँ पे देखिए 133 जीबी इसका टोटल जीबी है, उसके बाद जो इसने यूज़ किया है 129 जीबी। ठीक है, अभी हमें चेक करना है कि इस पार्टीशन में बाकी रिमेनिंग जीबी कितना है, मीन्स के फ्री स्पेस कितना है। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से विंडो आर को दबाना है, उसके बाद यहाँ पे रन कमांड ओपन हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आपको लिखना है CL, ठीक है, CL, फिर आपको क्या करना है, C दबाना है, फिर आपको ओके क्लिक करना है। ये हमारी शॉर्टकट की है किसकी, कैलकुलेटर की। ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अभी हमें कैलकुलेशन करनी है कि इस पार्टीशन की जो पार्टीशन है आपको कैलकुलेशन करनी है। तो उस पार्टीशन को आपको देखिए, यहाँ पे इस पार्टीशन की मुझे कैलकुलेशन करनी है 133 जीबी है इसकी टोटल। अभी यहाँ पे हमें माइनस करना है जो इसने यूज़ किया है, 129 जीबी इसने यूज़ किया है, बाकी हमें चेक करना है रिमेनिंग कितना है। अभी सिंपली आपको क्या करना है, एक्चुअल पे क्लिक करना है, जो टोटल बाकी इसकी जो रिमेनिंग जीबी हैं तो यहाँ पे 4 जीबी बाकी रिमेनिंग है। ठीक है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दूसरे पार्टीशन की चेक करने के, यहाँ पे सी पार्टीशन की, यहाँ पे 97.6 जीबी टोटल है, माइनस करना है मुझे जो इसने यूज़ किया है, 21.1 जीबी इसने जो यूज़ किया है, एक्चुअल करना है। ठीक है, एक्चुअल करने के बाद यहाँ पे 76.5 जीबी टोटल हमारी आ जाएगी। ठीक है, आप ऐसे किसी भी पार्टीशन की जीबी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यही थी कि आप कैसे टोटल हार्ड डिस्क की पार्टीशन की जीबी चेक कर सकते हैं और उसकी रिमेनिंग जीबी और उसकी टोटल जो यूज़ पार्टीशन में हो रही है वो कितनी हो रही है वो भी आप इस वीडियो में आपको मैंने समझा दिया है। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये मेथड को आप फॉलो कीजिएगा। थैंक्स।